दुनिया में आज वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में संगम शहर प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने खाकी की सेहत खराब ना हो, साथ ही साथ पुलिसकर्मी सेहतमंद रहे, उसके लिए प्रयागराज के सभी थानों में तंबाकू सेवन से बचने के लिए जागरूकता वाले पोस्टर का विमोचन किया है। यह पोस्टर प्रयागराज के विभिन्न थानों में और पुलिस चौकियों में लगाए जाएंगे और सभी पुलिसकर्मियों को तंबाकू का सेवन ना करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। एडीजी प्रेम प्रकाश ने समाज सेवी पंकज रिजवानी के साथ इस पहल की शुरुआत की है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने आज अपने कार्यालय पर इस पहल का शुभारंभ किया। इस मौके पर एडीजी प्रेम प्रकाश ने समाज सेवी पंकज रिजवानी को सम्मानित भी किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैंसर की वजह से हर दिन कई लोगों की मौत होती है और कैंसर का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन करना। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी स्वस्थ रहें और उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। थानों में पोस्टर लगाने का उद्देश्य इतना है कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ जितने भी शिकायतकर्ता या फिर फरियादी लोग आएंगे वो भी इन पोस्टर्स को देखकर प्रेरित होंगे। आपको बता दें कि 4 फरवरी को इंटरनेशनल कैंसर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हर देश हर जिले के लोग अपने अपने तरीके से इस दिन पर संकल्प लेते हैं। एडीजी प्रेम प्रकाश द्वारा किया जा रहा यह प्रयास कितना सफल साबित होता है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा यह प्रयास बेहद सराहनीय है। गौरतलब है कि तंबाकू की आदत पुलिस कर्मियों में भी दिखी जाती है। जिसकी वजह से एडीजी प्रेम प्रकाश ने आज के दिन इस पहल की शुरुआत की है और कहा है कि हर थानों में इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा और पुलिस कर्मियों के साथ साथ फरियादियों को भी तंबाकू सेवन से बचने का संकल्प दिलाया जाएगा। आज के दिन एडीजी प्रेम प्रकाश ने पंकज रिजवानी को भी नेक कार्यों के लिए सम्मानित किया। आपको बता दें कि एडीजी प्रेम प्रकाश ने जिस समाज सेवी के साथ इस पहल की शुरुआत की है उसने प्रयागराज में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कोई पंकज रिजवानी को बजरंगी भाईजान कहता है तो कोई गरीबों का मसीहा। पंकज रिजवानी ने अपने कार्यों की वजह से 20 से अधिक IAS IPS सम्मानित कर चुके हैं। साथ ही साथ पूर्व मंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नायक ने भी सम्मानित किया है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हमारे समस्त पुलिस ऑफिसेस और थाने में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे सभी कर्मचारी आज इस बात का प्रण ले रहे हैं कि टोबैको और कोई भी नशीले पदार्थ गुटखा आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। जो कैंसर के शिकार हो चुके हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जितने भी आगंतुक हैं जो पुलिस कार्यालयों में आते हैं उनमें भी यह चेतना विकसित की जाएगी कि कोई भी नशीले पदार्थों का गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं और कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिसका इलाज भी बहुत महंगा है और उसके बाद उनका जो रूप है उनका जो चेहरा है वो विकृत हो जाता है। तो इस चीज़ से बचें और किसी भी हालत में हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के सभी साथियों को, परिवारजनों को, किसी को भी गुटखा और तंबाकू का प्रयोग ना करने दें। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और इससे एक परिवर्तन आएगा। तो ये पंकज रिजवानी और आपकी एक मिलकर की पहल की जा रही है। सोशल वर्कर पंकज रिजवानी जी काफ़ी वर्षों से पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं। आज एक पोस्टर इसके लिए जारी किया जा रहा है, वो स्वयं जाकर थानों में और पुलिस कार्यालय में लगाएंगे और पुलिस कर्मियों से बात करेंगे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के सोशल वर्कर्स की एक संख्या बढ़नी चाहिए और पूरे देश में एक ये आंदोलन का रूप ले, जिससे कि हमारे यहाँ ये कैंसर की बीमारी किसी भी तरीके से ना बढ़ पाए। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।